हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग? सो सर, इस लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करने वाले हैं. एंटायर एक्ट इन जस्ट वन आवर. द एक्ट इज LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट. नाउ ये लेक्चर देखने वाले लोगों को मैं पहले बता दूं कि ये लेक्चर देखने के लिए वही लोग क्वालिफाई है जिन्होंने पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट कवर कर लिया है. Why? Because somewhere LLP is a mixture of companies and partnership. तो जो लोग companies act पढ़ के आए हैं, partnership act पढ़ के आए हैं, उनके लिए ये act बहुत ही simple हो जाएगी. Because बहुत सारे provisions are similar to companies act और similar to partnership act. Is that clear? तो आप CA student हो, CS student हो, LLB student हो, ये lecture आपके लिए बहुत beneficial होगा. और जहां मैं CA या CS की बात करो, तो एक बात समझ लो, आपके लिए वैसे भी क्लास पूरा लेक्चर मतलब पूरा LLP एक्ट सिलेबस में नहीं है. आप लोगों के लिए है इंट्रोडक्शन टू LLP एक्ट. इज इट क्लियर? जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हमारे काम के हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे डील करने वाले हैं. एक बात समझ लो, इस लेक्चर से जो पूरा LLP एक्ट के एंगल से भी पढ़ रहा है, 90% चीजें तो ऑलरेडी कवर हो जाएगी. ओके, सो इस चैप्टर में छोटे छोटे शॉर्टकट्स देख के, प्यारे प्यारे से कंसेप्ट देख के, ठीक है, हम एक घंटे में आराम से कंप्लीट कर देंगे अपना LLP एक्ट. इज इट क्लियर? सो सर, हम लोग CA बने, हम लोग CS बने, हम लोग लॉयर बन गए, हम लोगों ने एक्चुअली प्रैक्टिस शुरू किया. अब सर, हम लोगों को अगर ऑफिस डालना है, आई रिपीट, अगर हम लोगों को ऑफिस डालना है, सर कोई ना कोई तो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना पड़ेगा. सर हम प्रोप्राइटर फॉर्म बना सकते हैं, यस ऑफकोर्स. हम पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं, हम कंपनी बना सकते हैं, हम OPC बना सकते हैं, ठीक है. देयर आर वेरियस ऑप्शंस जो आप बना सकते हैं. आई होप इट इज क्लियर. बट इतना समझ लो, अगर आप सिंगल पर्सन हो, इफ यू आर सिंगल पर्सन, यू कैन गो फॉर प्रोप्राइटर फॉर्म और OPC, वन पर्सन कंपनी. बट जहां भी आपके नंबर ऑफ पार्टनर्स दो या दो से ज्यादा है, आई रिपीट, जहां आपके नंबर ऑफ पार्टनर्स दो या दो से ज्यादा है एंड आप प्रॉफिट मोटिव के लिए जा रहे हो, ठीक है, आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आप प्रॉफिट मोटिव के लिए जा रहे हो, तो आपके पास बस तीन ऑप्शन बचते हैं. या तो आप पार्टनरशिप फर्म बनाओ, या फिर आप कंपनी बनाओ, प्राइवेट कंपनी बनाओ, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, ये पब्लिक कंपनी बनाओ, या तीसरा ऑप्शन है हम LLP बना सकते हैं. इज इट क्लियर? नाउ कस, पहला पॉइंट ये आता है कि सर पार्टनरशिप फर्म बनाना कि कंपनी बनाना. See, अगर मैं पार्टनरशिप फर्म बना रहा हूं तो मेरे मजे क्या है ये समझो. अगर मैं पार्टनरशिप फर्म बना रहा हूं तो मेरे मजे ये है कि भाई कंपनी इसको दुनिया भर के कंप्लायंसेस है, इतने कंप्लायंसेस फॉर्म करते करते मेरे जो बचे हुए बाल है वो भी. इज इट क्लियर? वाइस वर्सा, ठीक है, अगर मैं कंपनी, ठीक है, कंपनी फॉर्म कर रहा हूं तो एडवांटेज ये है कि पार्टनरशिप फर्म को अनलिमिटेड लायबिलिटी है. मतलब जितनी लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म की है उतनी ही लायबिलिटी पार्टनर्स की है. इज इट क्लियर? कंपनी फॉर्म करने पे ये बेनिफिट होता है क्लास कि अपने को लिमिटेड लायबिलिटी मिल जाती है. भाई मैंने जितने के शेयर्स खरीदे या मैंने जितने की गारंटी दी उतनी की ही मेरी लायबिलिटी होती है और फर्दर मेरी लायबिलिटी नहीं होती. इज इट क्लियर? तो हमेशा ये द्वंद, ये युद्ध चलता था उन दोनों के बीच में कि भाई पार्टनरशिप फॉर्म बनाना कि कंपनी बनाना. तो हमने क्या किया, हमने एक नया कंसेप्ट लेके आए, हमारे लेजिस्लेटर्स ने एक नया कंसेप्ट लेके आया विच इज कॉल्ड एज LLP, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. आई रिपीट, सर इसका बेनिफिट क्या है? आपने क्या बोला, आपको पार्टनरशिप फॉर्म में क्या बेनिफिट चाहिए था? सर हमको कंप्लायंसेस कम करने थे. ठीक है भाई, LLP में कंप्लायंसेस कम. फिर सर कंपनी में क्या बेनिफिट चाहिए था? सर हमको लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए थी. इज इट क्लियर? ठीक है, LLP में लिमिटेड लायबिलिटी कम. मतलब यहां फायदा यह है क्लास कि नंबर वन, ठीक है, आपको पार्टनरशिप फर्म की फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है. नंबर टू, आपको कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी ऑप्शन भी मिल जाता है. इज इट क्लियर? ये दोनों को मिला के, देयरफॉर वी ऑलवेज से दैट LLP इज अ हाइब्रिड बिटवीन कंपनीज, इज इट क्लियर, एंड पार्टनरशिप फर्म. तो LLP इज अ हाइब्रिड बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म. इज इट क्लियर? तो शुरू करते क्लास लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. मोस्टली ये बनता है प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है, प्रोफेशनल्स बहुत LLP यूज करते हैं बिकॉज उनसे छोटे लेवल की फर्म्स में बहुत आसान हो जाता है कि हम लायबिलिटी को भी लिमिट कर सकते हैं. इज इट क्लियर? और
ठीक है, अपने पार्टनरशिप के फ्लेक्सिबिलिटी को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, LLP की, जस्ट अ मोमेंट एंड विल स्टार्ट विद LLP। छोटा सा लेक्चर है एक घंटे का, बट एक घंटे में ऑलमोस्ट हम सब कुछ कवर कर देंगे। नाउ क्लास यू विल सी कि जो मैं थंबनेल भी बनाया है LLP का, ठीक है, थंबनेल में यू कैन सी, ठीक है, लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर लाइब्रेरी दिख रहा है, ठीक है, फायदा ये हो रहा है कि लाइब्रेरी को काट दिया गया है, यानी लिमिटेड लाइब्रेरी वाला ऑप्शन आ गया है, ऑलराइट, ठीक है। नीचे आप देख सकते हो दो लोग मिल रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट्स और कंपनी के बेनिफिट्स मिलके एक नई एक्ट बनाई गई, लिमिटेड लाइब्रेरी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इज इट क्लियर? शुरू करो क्लास, बहुत सिंपल है। चलो क्लास कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं जो वैसे तो एग्जाम में नहीं आते, इज इट क्लियर, बट आपको एक ओवरव्यू देने के लिए। ओके सो सर, ये एक्ट कब से अप्लीकेबल हुआ, जिसका एमसीक्यू पैटर्न में क्वेश्चन आंसर होंगे, ये क्वेश्चन काम का है, ठीक है, इट इज अप्लीकेबल फ्रॉम 31 मार्च 2009। तो एक्ट तो LLP एक्ट 2008 है, बट ये अप्लीकेबल कब से हुआ, 31 मार्च 2009। फिर इट कंसिस्ट ऑफ 81 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल्स, ठीक है, इतने सेक्शंस कवर है, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, CS के प्रोफेशनल्स को इनका सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आपको हर एक सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यस, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में हर एक सेक्शन आपके काम का हो जाएगा। एंड देयर आर 4 शेड्यूल्स, तो उनके बैलेंस शीट कैसी होगी, उनके जो एडिशनल रूल्स है वो शेड्यूल्स में दिए हुए। ओके चलो आगे बढ़ते सर, इस एक्ट का पर्पस क्या है, ये देखो, गिव्स बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, जो कंपनीज को अप्लीकेबल थी, यहां मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, जितना आपने एग्री किया है उतनी की आपकी लाइबिलिटी होगी, बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, साथ साथ आपको मिल जाता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, सो यू गेट बेनिफिट ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी लाइक अ कंपनी एंड यू गेट बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म की फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत सारे कंप्लायंसेस नहीं है, आप जैसे चाहो वैसा अपना डीड बना सकते हो, जैसा चाहो वैसा अपना एग्रीमेंट बना सकते हो एंड मजे से आराम से, ठीक है, एक्टिविटीज कर सकते हो। ऑलराइट क्लास, लास्ट पॉइंट, वी से LLP इज अ हाइब्रिड बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे क्लास या फंक्शंस की बात करेंगे LLP को, तो उसमें दोनों के मजे मिलेंगे, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के भी बहुत सारे मजे मिलने वाले हैं एंड कंपनीज के भी बहुत सारे मजे मिलने वाले हैं, ठीक है, तो देखते हैं। और इससे आई स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर फीचर्स, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ LLP। आई रिपीट, इन तीन में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर फीचर्स और व्हाट आर फंक्शंस ऑफ LLP। ऑलराइट, ठीक है, शुरू करूं। तो सर याद रखना, देखो आपको याद दूंगा कंपनीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से शॉर्टकट मैंने बनाया था प्लास्टिक, यू रिमेम्बर, शॉर्टकट क्या था, प्लास्टिक, ऑलराइट, ठीक है। सेम बेस आपको याद होगा तो पार्टनरशिप फर्म में हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे फर्म के, ठीक है सर, कौन कौन से थे, इट्स एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons, नंबर 2 एग्रीमेंट होना चाहिए, नंबर 3 बिजनेस होना चाहिए, नंबर 4 शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, नंबर 5 याद है क्या, ठीक है सर, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। ओके, ये 5 उसके देखे थे और प्लास्टिक 9 देखे थे। याद रखना, अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है तो मैं उन दोनों को बेस बना के आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एंड नंबर 2, इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कैसे कैसे आ सकते हैं, हम वो भी आराम से डील करेंगे क्लास। ओके सो आई स्टार्ट विथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, मैंने जानबूझकर उसको डिवाइड किया लाइक कंपनी एंड लाइक फर्म। याद रखना, ये लाइक कंपनी और लाइक फर्म अपने दिमाग में रखना है, एग्जाम में लाइक कंपनी या लाइक फर्म में लिखना है, एग्जाम में लाइन से कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना शुरू कर देना, ये लाइक कंपनी और लाइक फर्म आपके दिमाग में याद रखने के लिए आपके लिए ये शॉर्टकट दिया हुआ है। राइट, सो लाइक कंपनी, सर कंपनीज में प्लास्टिक था कैरेक्टरिस्टिक्स, उनमें से कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है थोड़ा चेक करते हैं, ठीक है, चीजें आसान हो जाएंगी। सो शॉर्टकट क्या है, प्लास्टिक, ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, चल परपेचुअल सक्सेशन, आई रिपीट, फर्स्ट पॉइंट इज परपेचुअल सक्सेशन, मतलब सेम लाइक कंपनी, याद रखना इवन LLP हैज परपेचुअल सक्सेशन, मतलब LLP में किसी भी पर्सन के मरने से फर्म को फर्क नहीं पड़ेगा, फर्म विल कंटिन्यू, फर्म सिर्फ डिसॉल्व हो सकती है जब सारे पार्टनर्स मिलके एग्री करते हैं कि फर्म को डिसॉल्व करना है। इज इट क्लियर? सो परपेचुअल सक्सेशन सेम लाइक कंपनी, आपको समझता है ये सब क्या है, इसलिए मैं बहुत स्ट्रेस नहीं दूंगा कि आप कंपनी से एक्ट पढ़ के आए हैं। ऑलराइट, नाउ इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आ सकता है क्लास,
कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि देयर आर फोर पार्टनर्स इन एलएलपी, ऑलराइट, देयर आर फोर पार्टनर्स इन एलएलपी, अब चारों एक कार एक्सीडेंट में मर गए, तो सारे पार्टनर्स मर गए, क्या एलएलपी भी खत्म हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा? द आंसर इज नो. क्यों सर? क्योंकि एलएलपी में भी परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब किसी भी पार्टनर के आने या जाने से फर्म को फर्क नहीं पड़ता. इज इट क्लियर? ठीक है, अगर कोई मर भी गया तो उसके नॉमिनी या लीगल एयर को उसके शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट. यहाँ पे भी सर क्या है, एलसी लिमिटेड लाइबिलिटी है. नाउ अगर आपको कंपनी से याद दूंगा तो कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड थी टू अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स और अनपेड वैल्यू ऑफ गारंटी, मतलब जितना हमने शेयर्स लिया था, जितने की हमने गारंटी ली थी और जितना पैसा पे नहीं किया था उतने के लिए ही हमारी लाइबिलिटी थी, बाकी कंपनी की लाइबिलिटी से मुझे कोई लेना देना नहीं था. सेम वे अगर मैं क्लास बात करूं किसकी, एलएलपी की, तो एलएलपी में एक एग्रीमेंट बनता है. आई रिपीट, एलएलपी में एक एग्रीमेंट बनता है जिसका नाम है एलएलपीए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट. ठीक है, ये एग्रीमेंट इज इक्विवेलेंट टू पार्टनरशिप फर्म का पार्टनरशिप डीड एंड कंपनीज का एमओए और एओए. तो उस एग्रीमेंट में अगर आप एलएलपी बना रहे हो तो आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं कितना कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा. सपोज आपने डिसाइड किया कि मैं 10 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा और 10 में से अभी तक 4 दे चुके हो, तो याद रखना आपकी लाइबिलिटी सिर्फ अनपेड वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज ठीक है 6 लाख रुपए की ही होगी. ओके, बाकी एलएलपी को कितना भी नुकसान हो, कितने का भी लॉस हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है. आई रिपीट, आपकी लाइबिलिटी एलएलपी केस में सिर्फ कितनी होगी, जितना आपने कॉन्ट्रीब्यूशन एग्री किया है उसमें भी जितना अनपेड है उतनी की ही लाइबिलिटी होगी, बाकी लाइबिलिटी से आपको कोई लेना देना नहीं है. ओके, चलो मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिफिशियल पर्सन, दैट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. आई शुड नॉट एक्सप्लेन दिस, यू नो दिस. सेम लाइक कंपनी, इवन एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. मतलब जिन पार्टनर्स ने मिलकर एलएलपी फॉर्म किया, जिस दिन से एलएलपी फॉर्म हुई वो अलग, ये अलग. ठीक है, लोगों के नजरों में कौन डील कर रहा है, एलएलपी डील कर रही है, दैट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. नेक्स्ट पॉइंट, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट. यहां मैंने काट दिया है तो आपको एग्जाम में भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जानबूझ के पॉइंट रखा फिर काटा ताकि आपको समझे कि बेसिक पर्पस क्या है, बेसिक पॉइंट क्या है. तो क्लास पॉइंट क्या है, सर पॉइंट इज जैसे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स ही फर्म को मैनेज करते हैं, इज इट क्लियर, वैसे कंपनीज में सर ओनर्स तो शेयर होल्डर्स होते हैं बट कंपनी को मैनेज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. मतलब ओनर अलग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग है. आई होप इट इज क्लियर, देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट. बट सर हमने यहाँ पे एलएलपी में क्यों काट दिया है, बिकॉज एलएलपी में पार्टनर्स ही फर्म को मैनेज करते हैं, इज इट क्लियर, यहाँ कोई सेपरेशन नहीं है बिकॉज पार्टनर्स आर ओनर्स एंड दे देमसेल्फ मैनेज द फर्म. So, there is no separation of ownership from management. Exam में characteristics of LLP पूछेगा, तो आपको ये point mention करने की जरूरत नहीं है. Okay? चलो, आगे बढ़ते हैं. Partners और owners themselves manage the firm. Okay? ये point आप लिख सकते हो. Next point. It's a separate property. I repeat, since LLP is a separate legal entity, law के नजरों में it is a separate legal person, तो LLP खुद के नाम से property own कर सकती है. आपको partners के नाम से property खरीदने की जरूरत नहीं है. Why? Because LLP is a separate legal entity. वो खुद के नाम से property own कर सकती है. Next point. Transferable shares. यहाँ पे cash fund apply होता है partnership firm का. यहाँ company समान shares are not freely transferable. ठीक है? यहाँ पे अगर आपको share transfer करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बाकी partners से consent लेना पड़ेगा. I repeat. LLP में जो भी आपका profit होगा, जितने के भी आपके share होंगे, ठीक है? Shares तो होता नहीं यहाँ पे. परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होता है यहाँ पे, तो जितना भी आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होगा, जितना भी आपका इंटरेस्ट होगा एलएलपी में, आप चाहो तो यस वो ट्रांसफर कर सकते हो, बट लाइक कंपनी वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है. आई रिपीट, लाइक कंपनी वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है. ठीक है, यहाँ पे आपको अगर अपना इंटरेस्ट इन द फर्म ट्रांसफर करना है तो आपको कंसेंट लेना पड़ेगा फ्रॉम ऑल द पार्टनर्स. ऑलराइट क्लास, चलो सर क्लास यार में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, नाउ हम बात करते हैं सर कंपनी की. क्या कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है? यस सर, कंपनी विल नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस जब तक वो रजिस्टर नहीं होता अंडर कंपनी एक्ट. सर क्या पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है? नो सर, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं. याद रखना यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे इट लाइक कंपनी. जो क्या लिखा हुआ है, एलएलपी इज अ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है.
जब तक आप एलएलपी को रजिस्टर नहीं करोगे अंडर एलएलपी एक्ट, तब तक एलएलपी विल नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस। ऑलराइट क्लास, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉमन सील। ठीक है, जैसे कंपनी की ऑफिशियल सिग्नेचर कॉमन सील होती है, वैसे ही एलएलपी में भी ऑफिशियल सिग्नेचर होती है कॉमन सील। बट आपको याद होगा आप नए अमेंडमेंट के हिसाब से कंपनीज में कॉमन सील कंपलसरी नहीं है, कुछ याद है क्या, ऑप्शनल है। वैसे क्या आपको बता दूं कि एलएलपी में भी अब कॉमन सील क्या हो गई है, ऑप्शनल हो गई है। वहां पे ऑप्शनल लिख देना बाजू में कि एलएलपी में भी कॉमन सील क्या हो गया, क्लास ऑप्शनल हो गया है। ओके, लास्ट पॉइंट, कैपेसिटी टू स्यू और बीइंग स्यूड। मतलब क्या सर? ठीक है, फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में अगर आपको फर्म के खिलाफ कोर्ट में केस करना है तो फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जब भी आप कोर्ट में केस करते थे आप पार्टनर्स के खिलाफ कोर्ट में केस करते थे, क्योंकि फर्म तो लॉ के नजरों में एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोर्ट बोलेगा अगर फर्म के खिलाफ कोर्ट में केस कर लो, कौन फर्म, मुझे तो कोई दिखता नहीं है। व्हाई? बिकॉज लॉ के नजरों में पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। परफेक्ट, बट कंपनी से सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी के नाम से भी कोई कोर्ट में केस कर सकता है। सेम वेज कंपनी भी खुद किसी और के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकती है। आपको बता दो यही पावर मिला है किसको, एलएलपी को। दैट एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, देयरफॉर इट कैन स्यू और बीइंग स्यूड इन इट्स ओन नेम। वो खुद भी स्यू कर सकता है और बीइंग स्यूड इन इट्स ओन नेम। ओके, सो लाइक कंपनी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी देख ली, किसमें डिफरेंस है वो भी देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं लाइक फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म में इसमें क्या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है और उनसे कंपैरिजन पॉइंट्स क्या है वो हम पढ़ रहे हैं। लाइक फॉर्म हम फॉर्म कर बात कर रहे हैं तो देखो बॉडी कॉर्पोरेट लिखा हुआ है, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, बट ये लाइक फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, ये लाइक फॉर्म में नहीं आएगा। ओके, आई रिपीट, और मैं एक काम करता हूँ लेक्चर को पॉज करके इसको ठीक भी कर देता हूँ। सो यस, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, बट वो कैरेक्टरिस्टिक्स तो कंपनी से सिमिलर थी, वो कैरेक्टरिस्टिक्स फर्म से सिमिलर नहीं थी, बिकॉज अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। ओके नाउ सर, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, हम पहली बात कर चुके हैं, हर वो आर्टिफिशियल पर्सन जो सेपरेट लीगल एंटिटी है, जिसको परपेचुअल सक्सेशन है, and who has capacity to sue or being sued is a body corporate. I repeat, any artificial person who's a separate legal entity, who has perpetual succession, capacity to sue or being sued is a body corporate. Best example, you can see companies mein sare characteristics hai, isliye it is a body corporate. All right, theek hai. Now, firm is not a body corporate because firm is not a separate legal entity, partnership firm. So, sir, partnership firm mein first characteristic kya padha tha humne? Ki it is an association of person jahan minimum partners hone chahiye 2 aur maximum partners hone chahiye 50. Agar aapko yaad hoga, partnership firm mein number of partners 50 ke upar ho gaye, to it becomes an illegal association. Yes, sir. To ab hum dekhte hain ki LLP mein kya rule hai. So, class, LLP mein minimum partner kitne rahenge, sir? 2 partners. Maximum कितने रहेंगे? खास पॉइंट है देखना, that is no limit. देखा कितना फायदा है LLP बनाने का, maximum partners की limit नहीं है, वो कभी illegal association नहीं बनता, because illegal association बनने के लिए अगर आपको पता होगा तो it should not be a body corporate. But LLP is a body corporate, वो already registered है, वो already separate legal entity है, इसलिए वो कभी illegal association नहीं बनता. ओके, सो मिनिमम पार्टनर्स कितने होंगे सर? 2. मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, सेम लाइक पब्लिक कंपनी। ऑलराइट, नाउ सर सेकंड पॉइंट क्या था आपको याद होगा? तो पार्टनरशिप का सेकंड पॉइंट था कि यहाँ पे एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, पार्टनरशिप अराइज आउट ऑफ एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट। सेम बेस एलएलपी में भी क्लास, ठीक है, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। आई रिपीट, एलएलपी में भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और जो एग्रीमेंट के बेसिस पे एलएलपी बनता है उसे बोलते हैं एलएलपीए, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो यहाँ पे आप लोग ऐड कर देंगे कि एग्रीमेंट होना कंपलसरी यहाँ पे, या कॉन्ट्रैक्ट होना कंपलसरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट अगर आपको याद होगा, ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस कंपलसरी था, इज इट क्लियर? यहां हम देखेंगे तो यहाँ पे भी लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, और पार्टनरशिप फर्म का मैं डेफिनेशन देखा था कि वो बिजनेस में मोटिव क्या होना चाहिए,
प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। हमने क्या बोला था कि पार्टनरशिप फर्म दान धर्म करने के लिए नहीं बनती, वो कभी रिलीजियस सोशल पर्पस के लिए नहीं बनती। सेम गोस विद एलएलपी क्लास। एलएलपी में प्रॉफिट मोटिव जरूरी है, ठीक है। आप बिजनेस में कोई भी बिजनेस ऑक्यूपेशन प्रोफेशन कर सकते हैं, बट प्रॉफिट मोटिव जरूरी है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैन अ एलएलपी बी फॉर्म फॉर अ नॉन प्रॉफिट मोटिव या फॉर सोशल रिलीजियस पर्पस, द आंसर विल बी नो। सेम लाइक पार्टनरशिप फर्म, यहां भी प्रॉफिट मोटिव कंपलसरी है। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स याद करो पार्टनरशिप फर्म की। सर, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, और म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। पॉइंट नंबर फाइव, यहां भी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट उतना पे लेते हैं जितना आप एलएलपी ए मतलब एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड करते हो। ओके, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे भी है। एंड लास्ट पॉइंट, म्यूचुअल एजेंसी। पहले मैं आपको पार्टनरशिप फर्म में लेके जाता हूँ क्लास। पार्टनरशिप फर्म में हम क्या बोलते हैं, देयर इज म्यूचुअल एजेंसी। हर एक पार्टनर फर्म का एजेंट भी है, एक दूसरे का एजेंट भी है और एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है। इज इट क्लियर? ठीक है। इससे क्या होता था, किसी भी पार्टनर ने कोई भी एक्ट किया चाहे वो गलत क्यों ना हो, पहले फर्म लायबल होती थी because all the partners are agent of the firm. Is it clear? So firm used to get liable. Is it clear? भले ही बाद में firm recover करती थी उससे पैसा. Okay? But LLP में खास बात क्या है? You can see. LLP में mutual agency नहीं है. हर partner LLP का तो agent है. I repeat, every partner is the agent of LLP. बट वो एक दूसरे का एजेंट नहीं है। ये पॉइंट आप देख सकते हो। एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ एलएलपी बट दे आर नॉट एजेंट ऑफ ईच अदर। इज इट क्लियर? इसलिए आप अपने नोट्स में भी देखोगे तो मैं लिखा है नो म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल नहीं है। इससे इंपैक्ट क्या पड़ा क्लास, ध्यान देना सब लोग। किसी भी पार्टनर ने रॉन्गफुल एक्ट किया तो एलएलपी लायबल नहीं है, बाकी पार्टनर्स भी लायबल नहीं है, वो पार्टनर खुद लायबल होगा उस एक्ट के लिए। इज इट क्लियर? इन शॉर्ट, अदर पार्टनर्स आर नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ, ठीक है, पार्टनर जिसने रॉन्गफुल एक्ट किया है। ही हिमसेल्फ विल बी 100% लायबल। उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी अगर उसने कोई गलत एक्ट किया है तो। ओके, सो आई रिपीट, सर एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। यहां म्यूचुअल एजेंसी लिखा है बट नो म्यूचुअल एजेंसी है ये। यहां म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, क्यों? क्योंकि, ठीक है, हर एलएलपी का पार्टनर फर्म का तो एजेंट है। इज इट क्लियर? बट एक दूसरे का एजेंट नहीं है। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, किसी भी पार्टनर ने कोई गलत एक्ट किया तो वो पर्सनली लायबल हो जाएगा, फर्म को या बाकी पार्टनर्स को उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स और व्हाट आर फीचर्स ऑफ एलएलपी। तो नंबर वन, परपेचुअल सक्सेशन। नंबर टू, लिमिटेड लायबिलिटी। नंबर थ्री, सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, सेपरेशन मत लिखना, मैंने काट दिया है। फिर सेपरेट प्रॉपर्टी, ट्रांसफरेबल शेयर्स एंड लाइंस से आप ये पॉइंट लिखो। आपको लाइक कंपनी और लाइक फर्म लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमने खुद ने मन में याद किया है ये पॉइंट्स लिखने के लिए। एंड याद रखना क्लास, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ओके, नाउ मैंने क्या किया क्लास, बिकॉज आप पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट ऑलरेडी पढ़ के आए होंगे, इज इट क्लियर? तो मैंने क्या किया, एक मस्ट हेड ऑन कंपैरिजन दे दिया बिटवीन कंपनी, पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी। ओके, एक और भी देता हूं, जैसे परपेचुअल सक्सेशन कंपनी में है, पार्टनरशिप फर्म में नहीं है, एलएलपी में है। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में है टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स और गारंटी। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है एंड एलएलपी में टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीड कंट्रीब्यूशन। सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी और एलएलपी है, पार्टनरशिप नहीं है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट सिर्फ कंपनी में है, पार्टनरशिप और एलएलपी में पार्टनर्स देमसेल्फ मैनेज द फर्म। ओके, फिर सेपरेट प्रॉपर्टी कंपनी और एलएलपी में है बट पार्टनरशिप में नहीं है। ट्रांसफरेबल शेयर्स में कंपनी, स्पेशली पब्लिक कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी में आपको पार्टनर से कंसेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये कर सकते हो। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो कंपनीज और एलएलपी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, इज इट क्लियर? बट पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। कॉमन सेल
हर जगह ऑप्शनल है, पार्टनरशिप फॉर्म तो यूज ही नहीं करते, ठीक है। कैपेसिटी टू स्यू एंड बीइंग स्यूड कंपनी और एलपी में ऑन इट्स ओन नेम कर सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में आपको पार्टनर के नाम से कोर्ट में केस करना पड़ेगा। मिनिमम मेंबर्स दिए हुए यहाँ पे, मैक्सिमम पार्टनर्स दिए हैं यहाँ पे, इज इट क्लियर। नेक्स्ट, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी में जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे एमओए या एओए बोलते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में भी जो होता है उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। वैसे ही एलएलपी में अगर आपने किया तो उसे बोलते हैं एलएलपीए, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर मैं प्रॉफिट मोटिव की बात करूं क्लास, तो कंपनी में वो कंपलसरी नहीं है, आप लोग को बता है, क्योंकि कंपनी में आप सेक्शन 8 कंपनी भी फॉर्म कर सकते हो, इसे बोलते हैं कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। तो कंपनी आप प्रॉफिट मोटिव के लिए भी फॉर्म कर सकते हो और नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए भी फॉर्म कर सकते हो, इज इट क्लियर। वेयर पार्टनरशिप में प्रॉफिट मोटिव कंपलसरी है एंड एलएलपी में प्रॉफिट मोटिव कंपलसरी है, ओके। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, कंपनी में प्रॉफिट आपको मिलता है बाय वे ऑफ डिविडेंड, ओके। पार्टनरशिप में जो डीड में लिखा है वो होगा, अदरवाइज इक्वल मिलेगा। एलएलपी में जो डीड में लिखा है, और यहाँ पे डीड कंपलसरी है, इसलिए डीड में जो लिखा है वो फॉलो करना पड़ेगा। म्यूचुअल एजेंसी की बात करो, कंपनी में नहीं है, कंपनी में शेयर होल्डर्स आर नॉट द एजेंट ऑफ द कंपनी, याद रखना। पार्टनरशिप फॉर्म में यस म्यूचुअल एजेंसी है, एलपी में भी नहीं है, बिकॉज एजेंट ऑफ द फर्म, ऑल द पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ द फर्म बट दे आर नॉट द पार्टनर्स ऑफ अदर फर्म। लास्ट पॉइंट सर, एलएलपी को कैसे पहचानेंगे, जिससे कंपनीज में कंपनी के नाम के एंड में प्राइवेट या लिमिटेड वर्ड यूज होता है। पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा कोई रोल नहीं है, बट अगर आपको एलएलपी को पहचानना है क्लास, तो एलएलपी के नाम के एंड में हमेशा एलएलपी यानी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इन दोनों में से एक लिखा होगा। आई रिपीट, हर वो फर्म जिसके एंड में एलएलपी लिखा है या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिखा हुआ है, याद रखना वो एलएलपी है। दिस इज कंपल्सरी कि एलएलपी के नाम के एंड में ये लिखा होना चाहिए। Now, next question, अगर एग्जाम में आया, what are advantages of LLP? ठीक है, तो शॉर्टकट क्या है? क्लियर है, वेरी सिंपल, शॉर्टकट क्या है? क्लियर है। सी से क्या है सर? कैपिटल स्ट्रक्चर। सर यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है, मतलब यहाँ लॉ में ऐसा कोई रूल नहीं है कि पार्टनर्स ने कम से कम इतना कैपिटल लेके आके बिजनेस करना चाहिए, कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम कितना भी हो, मैक्सिमम कितना भी हो, आप कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकते हो, वो फ्लेक्सिबल है, उसके लिए कोई लॉ नहीं है, ओके। एग्जाम में क्वेश्चन आया, ये हेडिंग दो और एंड में लिख दो कि ये फ्लेक्सिबल है या कोई कंपल्शन नहीं है। नंबर टू, एल, एल से लेस लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। मैं तो पहले ही बोल चुका हूं कि कंपनी फॉर्म नहीं करने का अपने को यही फायदा है कि यहाँ पे लीगल और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट बहुत कम है क्लास, ओके। इसे क्या है सर? इजी टू डिसॉल्व। सर पार्टनरशिप फर्म भी इजी है डिसॉल्व करने के लिए, पर हम कंपनीज से कंपेयर करें तो कंपनीज में दुनिया भर के बाइंडिंग अप के लॉस जो कंपनीज एक्ट में लिखे हुए और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में लिखे हुए, दुनिया भर के तामझाम करने पड़ते हैं, यहाँ हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इट इज इजी टू डिसॉल्व, अब जब चाहो तो डिसॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट ए से, ठीक है, एग्रीमेंट अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेटेड, मतलब क्या? आप अपना खुद का एग्रीमेंट बना सकते हो, अपने हिसाब से उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो, पार्टनर्स की लायबिलिटी कितनी होगी, ठीक है, फिर अकाउंट कहाँ ओपन करना है, कौन किसके लायबल होगा, नाम क्या होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये खुद डिसाइड कर सकते हो, तो आपके हिसाब से आप एग्रीमेंट बना सकते हो, ठीक है, आपके हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, आपके हिसाब से वो ऑपरेट कर सकते हो, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है क्लास, ओके। लास्ट पॉइंट आर से, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी इजी है कंपेयर टू कंपनीज, कंपनीज से कंपेयर करें तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी इजी है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी, तो आपको शॉर्टकट याद रखना है, शॉर्टकट इज क्लियर। सी से क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर, जितना रखना है रखो, फ्लेक्सिबल है, कोई लॉ के मिनिमम और मैक्सिमम के रिक्वायरमेंट नहीं है। एल से बात करूं तो यहाँ पे लेस लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, वो भी दिक्कत नहीं है। ई से बात करूं तो इट इज इजी टू डिसॉल्व, आई रिपीट इट इज इजी टू डिसॉल्व, ठीक है, कंपेयर्ड विद कंपनीज स्पेशली, ठीक है। ए से एग्रीमेंट आप अपने खुद के हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, तो
इट इज मोर ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेटेड मैनर में आप कर सकते हो. लास्ट पॉइंट, कंपनी से अगर कंपेयर किया जाए तो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है. और वो क्या है वो हम नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने वाले हो. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एलएलपी इज व्हाट आर द स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी और व्हाट आर द स्टेप्स टू रजिस्टर एलएलपी. अगर आपको एक एलएलपी रजिस्टर करना है तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, चलो देख लेते हैं. बहुत सिंपल है ये भी. सो सर, फर्स्ट स्टेप क्या है, यू डिसाइड पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. आई रिपीट, यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड कि आपके एलएलपी में पार्टनर्स कौन होंगे और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होंगे. सर ये दोनों क्या है, इसमें फर्क क्या है, मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं क्लास. डेजिग्नेटेड पार्टनर दैट मींस दे हैव बीन अपॉइंटेड, अनॉइंटेड, नेम्ड कि भाई ये लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर है. उनको डेजिग्नेट किया है कि ये लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर है. अब सर नॉर्मल पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में क्या फर्क है, याद रखना क्लास. पार्टनर्स कितने भी हो बट उनमें से आप बोलते हो कि ये डेजिग्नेटेड पार्टनर है, मतलब कंपनी के अफेयर्स मैनेज करने की, डे टू डे अफेयर्स मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेजिग्नेटेड पार्टनर की. अगर प्रैक्टिकल लाइफ में बात करूं, ये उतना ही डिफरेंस है जो एक नॉर्मल पार्टनर और एक स्लीपिंग पार्टनर में. इज इट क्लियर? जैसे पार्टनरशिप फर्म में स्लीपिंग पार्टनर फर्म का पार्टनर तो है बट वो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता. सेम वेज एक एलएलपी के पार्टनर्स तो बहुत लोग हो सकते हैं, आई रिपीट, बट उनमें से जो डे टू डे बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है उसे बोलते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर. तो रूल क्या है सर, रूल इज कम से कम आपको दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रखने पड़ेंगे. और ठीक है सर, मिनिमम पार्टनर्स भी दो ही है, तो ऐसे केस में दोनों पार्टनर्स को आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दो. तो कम से कम एलएलपी में दो डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, नंबर वन. ठीक है, नंबर टू, आगे बढ़ते हैं. हो सके क्या, ये दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए. मतलब क्या, मतलब सेम लाइक पार्टनरशिप फर्म, यहां पे कंपनीज भी पार्टनर हो सकती है. आई रिपीट, यहां कंपनीज भी पार्टनर हो सकती है एलएलपी में, बिकॉज कंपनी से सेपरेट लेगा एंटिटी, कंपनी खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है क्लास. वैसे ही एलएलपी में भी कंपनी पार्टनर हो सकती है बट एलएलपी खुद आर्टिफिशियल पर्सन है, यस सर. कंपनी भी आर्टिफिशियल पर्सन है, यस सर. तो भाई फिर कंपनी जो खुद आर्टिफिशियल पर्सन है वो एलएलपी को कैसे मैनेज करेगी, यस सर. तो फिर क्या बोलते हैं, लॉ बोलता है कि अगर कंपनीज को आप पार्टनर बना रहे हो या सारे पार्टनर्स कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट है, ऐसे केस में आपने क्या करना चाहिए, कंपनी से किसी पर्सन को ऑथोराइज करना चाहिए कि ही विल बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर. आई रिपीट, नंबर वन, सर इंडिविजुअल्स बहुत है अपने पास, टेंशन नहीं है, तो ठीक है भाई इंडिविजुअल्स में से कम दो लोगों को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दो. सर ज्यादा बनाया चलेगा, अरे भाई कितने ही बनाया चलेगा, कम से कम दो लोगों को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना लो, डन. नंबर टू, सर कुछ कंपनी से कुछ इंडिविजुअल्स हमारे पार्टनर है, बिल्कुल चलेगा, कम से कम दो लोग इंडिविजुअल को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दो. सर व्हाट इफ सिर्फ कंपनी से हमारे पार्टनर्स है, कैसा पॉसिबल है, यस क्लास, ऐसा हो सकता है कि आपके एलएलपी के पार्टनर सिर्फ कंपनी से या बॉडी कॉर्पोरेट से. ऐसे केस में क्या करेंगे सर, ऐसे केस में कंपनीज या बॉडी कॉर्पोरेट एक पर्सन को ऑथोराइज करेंगे, वो पर्सन को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाएंगे. ओके, तो कम से कम दो इंडिविजुअल लोग नहीं है और सिर्फ उस एलएलपी के पार्टनर्स कंपनीज है या बॉडी कॉर्पोरेट है या आर्टिफिशियल पर्सन है, ऐसे केस में वो एक पर्सन को ऑथोराइज करेंगे, नॉमिनेट करेंगे और वो नॉमिनी विल बी डेजिग्नेटेड पार्टनर. बट कम से कम टू डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, एटलीस्ट टू के आगे लिख देना डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, कम से कम दो डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए. आई रिपीट, दे शुड बी इंडिविजुअल्स. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, कैन अ बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी बी अ पार्टनर इन एलएलपी, आई रिपीट, कैन अ बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी
be a partner in LLP? No. I'm sorry. Yes. Is it clear? They can be a partner. Can a body corporate body corporate or company be designated partner in LLP? The answer is no. Why? Because designated partner sirf individual ho sakta hai. Fir ek practical question aur aa sakta hai ki what if all the partners of LLP is either company or body corporate? To answer kya hoga? कि ऐसे केस में वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, एक पर्सन को ऑथराइज कर सकते हैं, दो लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं कि दे विल एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर. इज इट क्लियर सर? अब डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने से फर्क क्या पड़ता है? सी, बाकी पार्टनर्स की लायबिलिटी, आई रिपीट, बाकी पार्टनर्स की लायबिलिटी, इज इट क्लियर, बाकी पार्टनर्स तो लिमिटेड है एज पर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन. यस सर. बट याद रखना कि जो डेसिग्नेटेड पार्टनर्स है क्लास, वो हर एक्ट जो आपने डे टू डे बेसिस पे किया है उनके लिए वो लायबल हो गए. तो डे टू डे बेसिस पे कोई भी गलत एक्ट हुई तो बाकी पार्टनर्स को लायबल नहीं करेंगे, सिर्फ डेसिग्नेटेड पार्टनर्स को लायबल करेंगे. सो लॉ सेज कि डेसिग्नेटेड पार्टनर्स विल बी लायबल फॉर डे टू डे एक्टिविटीज. जिससे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया और लेट फाइलिंग आई, लेट फाइलिंग का आपको पेनल्टी पे करना है, ये पेनल्टी बाकी पार्टनर्स पे नहीं करेंगे, ये पेनल्टी सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स पे करेंगे, बिकॉज जीएसटी के रिटर्न्स भरना, चालान भरना वॉज पार्ट ऑफ डे टू डे अफेयर्स ऑफ द एलएलपी. आपने नहीं भरा, आप डेजिग्नेटेड पार्टनर होने के बाद भी आपने नहीं भरा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई होप यू आर गेटिंग मी. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आप जिनको भी बनाओगे, वो डे टू डे एक्टिविटीज में जो भी गड़बड़ी होंगी उनके लिए वो लायबल होंगे, बाकी पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे. कम से कम दो डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए. ओके, नेक्स्ट पॉइंट सर, पार्टनर्स में भी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनर्स में भी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट, बट आगे लिखना कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स शुड ओनली बी इंडिविजुअल, बट डेजिग्नेटेड पार्टनर्स विल ओनली बी इंडिविजुअल्स. नेक्स्ट पॉइंट सर, मिनिमम दो डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए. इज इट क्लियर? दो में से एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए. दो में से एक रेसिडेंट मतलब पार्टनर्स दो है, ठीक है, उनमें से एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब इंडिया में ही पिछले फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 182 डेज रहना चाहिए. ओके, तो हर फाइनेंशियल ईयर में भी आप बोल सकते हो कम से कम वो 182 डेज एक पार्टनर तो इंडिया में रहना चाहिए. ओके, ठीक है. सो आई रिपीट, दो डेसिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए, कम से कम दो पार्टनर होना चाहिए, और अगर आपने डेसिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट नहीं किया अलग से तो ऑल द पार्टनर्स विल ऑटोमेटिकली बिकम डेसिग्नेटेड पार्टनर. इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपने अलग से डेसिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट नहीं किया तो ऑल पार्टनर्स विल ऑटोमेटिकली बिकम डेजिग्नेटेड पार्टनर. इज इट क्लियर? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं. यू हैव टू डिसाइड पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. डेजिग्नेटेड पार्टनर्स और पार्टनर्स कम से कम दो होने चाहिए, ठीक है. पार्टनर कैन बी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट, बट आई रिपीट, अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर है तो वो इंडिविजुअल ही होना चाहिए, वो बॉडी कॉर्पोरेट या और कंपनी नहीं हो सकता, ठीक है. दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो कम से कम है उसमें से एक डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो रेसिडेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो कम से कम 182 डेज इंडिया में है तो हम मान लेंगे ही इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके सर, तो हमने पार्टनर्स डिसाइड कर लिए, हमने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स डिसाइड कर लिए, अब क्या करना है? अब क्लास आपको इन सबका डीपिन नंबर एंड डिजिटल सिग्नेचर लेना है. सर ये क्या है? जैसे डायरेक्टर बनने के लिए इंडिया में रूल है कि आपको एक यूनिक नंबर लेना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं डिन नंबर, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. हर बंदे का जो डायरेक्टर कभी ना कभी रह चुका है उसका एक डिन नंबर होता है. फिर आप कितने भी कंपनी में डायरेक्टर्स हो वो डिन नंबर कॉमन रहेगा. इससे क्या होता है, आरओसी को मालूम पड़ जाता है, ठीक है, कि एक बंदा कौन कौन सी कंपनी में डायरेक्टर है. वैसे ही रूल क्या है कि आपको अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है एलएलपी का, तो
तो आपको डीपिन नंबर लेना पड़ेगा। डीपिन का फुल फॉर्म क्या है? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। साथ साथ आपको डिजिटल सिग्नेचर भी बनवाना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑनलाइन फॉर्म फाइलिंग करोगे तो ऑनलाइन आप साइन तो नहीं कर सकते, तो आपको एक अपना डिजिटल सिग्नेचर बनवाना पड़ता है क्लास। ओके, नाउ पार्टनर शुड होल्ड, ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, इज इट क्लियर? ठीक है, ये कहां से मिलेगा? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। याद रखना, एमसीए जो कंपनीज को गवर्न करता है वो एलएलपी को भी गवर्न करता है। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर गवर्न्स बोथ कंपनी एज वेल एज एलएलपी। ऑलराइट क्लास, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर पार्टनर्स डिसाइड कर लिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स डिसाइड कर लिया, डीपिन नंबर ले लिया, डिजिटल सिग्नेचर ले लिया इन लोगों ने। अब क्या, सबसे पहले नाम अवेलेबल है कि नहीं वो चेक करो। दिस इज सेक्शन 16, आई रिपीट, दिस इज सेक्शन 16, साथ साथ लिख लेना। ओके, ये क्या बोलता है कि एक फॉर्म आता है ई फॉर्म नंबर 1, ये आपको फाइल करना पड़ता है किसके पास? आरओसी के पास। सर यहां भी आरओसी? यस, यहां भी आरओसी। आपको ई फॉर्म नंबर 1 फाइल करना पड़ता है आरओसी के पास अलॉन्ग विथ 6 चॉइसेस। जो भी नाम अवेलेबल होगा आरओसी आपको रिप्लाई करेगा, आरओसी को कंफर्म कर देना कि भाई हमारा ये नाम है, खत्म। दिस इज सेक्शन 16। ओके, सो याद रखना एलएलपी के नाम के एंड में हमेशा एलएलपी या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पूरा का पूरा लिखना पड़ता है। तो सर स्टेप्स क्या है? डिसाइड करो पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। कम से कम कितने होना चाहिए? 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए, कम से कम 2 पार्टनर होना चाहिए। 2 ही पार्टनर है तो दोनों को डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बना लो। ओके, ठीक है, पार्टनर्स कैन बी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट, बट डेजिग्नेटेड पार्टनर्स शुड ओनली बी इंडिविजुअल्स। ओके, अब 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर में से कम से कम 1 रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। जिन लोग को भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है उनके पास डीपिन नंबर पहले से है तो अच्छी बात है, अगर उनके पास डीपिन नंबर या डिजिटल सिग्नेचर पहले से नहीं है उनको अलग से अप्लाई करके लेना पड़ेगा। जैसे ये हो गया उसके बाद चेक करो अवेलेबिलिटी ऑफ नेम सेक्शन 16 इन फॉर्म नंबर 1। परफेक्ट सर, नाम भी चूज कर लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होगा क्लास? आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा LLPA, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, ये एग्रीमेंट आप ड्राफ्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस दिस एग्रीमेंट शुड कंटेन डिटेल्स ऑफ नेम ऑफ द पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ द फर्म, किस पार्टनर के कितने कॉन्ट्रीब्यूशन है कैपिटल में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोस क्या हो गए, उनके और एडिशनल राइट्स, एडिशनल ड्यूटीज, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो क्लास। ये आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा LLPA एग्रीमेंट। तो अभी तक की कहानी में पार्टनर्स डिसाइड हो चुके हैं, यस सर। नंबर 2, इन लोगों ने डीपिन नंबर और डिजिटल सिग्नेचर भी ले चुका है जिनके पास नहीं था वो। ओके सर, फिर अपने नाम फाइल कर दिए, यस सर। अपन ने LLPA एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर लिया, यस सर। अब क्या करेंगे? ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना पड़ेगा MCA के वेबसाइट पे। आई रिपीट, ये आपको सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करना पड़ेगा अलोंग विथ ई फॉर्म नंबर 2। ई फॉर्म नंबर 2 किसके लिए? एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, एप्लीकेशन की भाई मुझे रजिस्टर करना है अपना LLPA। फॉर्म नंबर इज ई फॉर्म नंबर 2 एंड ई फॉर्म नंबर 3 इज LLPA एग्रीमेंट। तो नाम ले लिया ई फॉर्म नंबर 1 से, अब ये 2 फॉर्म कौन कौन से? ई फॉर्म नंबर 2 एंड ई फॉर्म नंबर 3, एप्लीकेशन फॉर्म एंड LLPA एग्रीमेंट, ये दोनों आपको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना पड़ेगा MCA के वेबसाइट पे, जिसका नाम है www.mca.gov.in। इज इट क्लियर? ठीक है, आरओसी के पास ये डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएंगे, आरओसी सब कुछ चेक करेगा, एंड अगर सब कुछ सही है क्लास, सारे रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल की है, तो आरओसी आपको दे देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आई रिपीट, क्या आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल चुका है सर? यस सर। तो नाचो गाओ गुनगुनाओ मौज करो, क्योंकि आपकी फर्म, आपकी LLPA रजिस्टर हो चुकी है एंड इट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। आई रिपीट, ठीक है, आपकी LLPA रजिस्टर हो चुकी है, इट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस एज सून एज यू रिसीव सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो क्लास कितने इजी वे में आपको सारे पॉइंट्स दे दिए मैंने। पार्टनर्स डिसाइड करो,
डेजिग्नेटेड पार्टनर्स डिसाइड करो। पार्टनर्स भी कम से कम दो होने चाहिए और डेजिग्नेटेड पार्टनर भी कम से कम दो होने चाहिए, ज्यादा हो अच्छी बात है। उन दो में से एक डेजिग्नेटेड पार्टनर पूरे टाइम इंडिया में होना चाहिए, ओके, ही शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कम से कम 182 डेज उसने इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। अब जिनके पास डिजिटल सिग्नेचर है, डीपिन नंबर है, बहुत ही अच्छी बात है। जिनके पास दोनों भी नहीं है या दो में से एक भी नहीं है, वो अप्लाई करके रख दो भाई, ठीक है। अप्लाई करके रख दिया तो नाम ले लो, सर नाम ले लिया तो एलएलपी एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ईफॉर्म नंबर टू और ईफॉर्म नंबर थ्री, यानी एप्लीकेशन टू रजिस्टर, ठीक है, एंड एलएलपी एग्रीमेंट फाइल कर दो। किसके पास? आरओसी के पास, एमसीए की वेबसाइट पे। एंड ये फाइल होने के बाद में आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। याद रखना, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आरओसी का सिग्नेचर होता है और आरओसी का कॉमन सील होता है। आई रिपीट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आरओसी का सिग्नेचर होता है और आरओसी का कॉमन सील होता है। एंड जैसे ही आपने अप्लाई किया, रूल इज उससे 14 दिन के अंदर, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं, जिस दिन से आपने अप्लाई किया उससे 14 दिन के अंदर वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देते हैं। तो क्वेश्चंस में, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये सारे पॉइंट हेडिंग में यूज करो, उसके नीचे राइट साइड वाले पॉइंट यूज करो, इज इट क्लियर। एंड में लिखना, वंस एलएलपी ऑब्टेन्स सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इट इज रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट एज अ सेपरेट एलएलपी, ओके। तो अपने क्वेश्चन कौन कौन से हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, फीचर्स हो गया, डिस्टिंग्विश बिटवीन का कंपैरिजन भी हो गया, यस सर, फिर एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी भी हो गया, इज इट क्लियर, यस सर, एंड हाउ टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी, ये भी अपना हो गया। तो 90% इश्यूज अपने कंप्लीट हो गए क्लास एलएलपी एक्ट के। कुछ एडिशनल क्वेश्चंस में लेके आ रहा हूं, पॉइंट्स आ गया, ओके, साइन बाय रजिस्ट्रार एंड कॉमन सील भी आ गया, लिख लेना, ओके। नाउ एडिशनल दो क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन भी मैंने मॉड्यूल से पिक किया है ताकि आपका कवरेज 100% हो जाए मॉड्यूल के हिसाब से भी, तो आपको कोई मॉड्यूल, कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना भी पढ़ लिया इज मोर देन सफिशिएंट। क्वेश्चन कैसे आ सकते बता दिया मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स में से ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, बाकी सब थ्योरी क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा, दिमाग मत लगाना, ये 4-5 क्वेश्चन स्लाइड से लिख लेना, इट इज मोर देन सफिशिएंट, ओके। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। पिछले एग्जाम में सीए फाउंडेशन में ये क्वेश्चन आया था, व्हाट आर लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इन अ एलएलपी। फर्स्ट पॉइंट, सर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीड कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ये हमको पता है। नंबर टू, नॉट लायबल ऑन इंडिपेंडेंट एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर्स। मैं पहले ही बात कर चुका था क्लास कि एलएलपी के केस में म्यूचुअल एजेंसी कंसेप्ट नहीं है, मतलब सारे पार्टनर्स फर्म के तो एजेंट है बट वो एक दूसरे के एजेंट नहीं है। तो किसी ने भी बाकी लोगों से कंसेंट लिए बिना इंडिपेंडेंट एक्ट किया, तो आपको याद होगा पार्टनरशिप फर्म में क्या होता था, पार्टनरशिप फर्म में किसी भी पार्टनर ने एक्ट किया विद इन हिज अथॉरिटी, इज इट क्लियर, भले वो फ्रॉड हो, मिसकंडक्ट हो, तो पहले फर्म लायबल होती थी, बाद में उससे रिकवर करते थे। यहां तो हमने बोले दिया भाई किसी ने इंडिपेंडेंट एक्ट किया विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, तो भाई वो पर्सनली लायबल होगा, फर्म उसके एक्ट पे लायबल होगी ही नहीं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि उस पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी जिसने कोई एक्ट किया है टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स। तो यस, एलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, बट हमने बोला कि बेटा जिसने डिफ्रॉड किया है, कोई भी गलत एक्ट किया है, वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। तो मतलब क्या, मतलब किसी बंदे ने, ठीक है, सपोज कोई गलत एक्ट किया, सपोज, ठीक है, अपनी एलएलपी जो थी, ठीक है, वो सीए की फर्म थी, इज इट क्लियर। नाउ क्लाइंट आया, क्लाइंट ने उसे 1,00,000 रुपए दिए इनकम टैक्स में जमा करने के लिए, परफेक्ट, इज इट क्लियर। ये भाई साहब ने क्या किया, वो 1,00,000 रुपए पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिया, इज इट क्लियर, ठीक है। अब क्या हुआ, फर्म ने उससे 1,00,000 रुपए मांगे, इज इट क्लियर, उसने बोला देखो भाई एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा है कि आई एम ओनली लायबल फॉर 20,000 ऑफ द कंट्रीब्यूशन,
इज इट क्लियर? तो उसने बोला भाई मैं तो ड्राइवर सिर्फ 20,000 रुपए के लिए हूँ, कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए हूँ, आप मुझसे 1,00,000 रुपए नहीं मांग सकते हैं। क्या आप मांग सकते हो? नहीं। तो क्या आप मांग सकते हो? यस। क्यों? बिकॉज LLP एक्ट में क्लियरली लिखा है कि भाई तूने कोई भी गड़बड़ी की, तूने किसी भी क्रेडिटर को या क्लाइंट के साथ डिफॉल्ट किया, उस अमाउंट के लिए तेरी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। मतलब यहां तूने 1,00,000 रुपए का क्लाइंट के साथ में गड़बड़ किया तो पूरे 1,00,000 रुपए तुझे फर्म को या क्लाइंट को वापस देने पड़ेंगे। तो मैं हमेशा दो सेंटेंस को साथ में बोलता हूं कि वैसे तो पार्टनर्स की लायबिलिटी LLP पे लिमिटेड है, यस सर, हाउएवर किसी भी पार्टनर ने अगर डिफ्रॉड किया क्रेडिटर को, ऐसी कोई एक्ट किया, इज इट क्लियर, तो ऐसे केस में उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। परफेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर से दे विल बी लायबल फॉर ऑल द पेनल्टीज। बता दो ना आपको GST वाला एग्जांपल कि डे टू डे लाइफ में जो भी पेनल्टीज या फाइंस अप्लीकेबल है नॉन कंप्लायंसेस के, वो किसको झेलना पड़ेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को एंड नॉट अदर पार्टनर्स। ओके? बाकी पार्टनर्स जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स नहीं है, ठीक है, वो फर्म के एक्ट के लिए लायबल होंगे टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, जो फर्स्ट पॉइंट है, टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके? बाकी उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है। देन जितने भी फाइन्स है, पेनाल्टी से, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स विल बी लायबल फॉर इट। So, ये चार पॉइंट आपको एग्जाम में लिखने हैं। अगर फिर से क्वेश्चन आया व्हाट आर लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, जिनके CA में तो अब आने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज CA में, आई रिपीट, एग्जाम में क्वेश्चन CMA नहीं, CA में पिछले एग्जाम में ही क्वेश्चन आ चुका है, तो आने के चांसेस बहुत कम है। CS में MCQ है तो डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आने के चांसेस इस एग्जाम में कम है, बट मेरा काम है पढ़ाने का, मैंने पढ़ा दिया। लास्ट क्वेश्चन पर डे, डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन मतलब LLP का पार्टनर कौन नहीं बन सकता। इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है या थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसपे सेक्शन 5 डील करता है। अब क्लास डिस्क्वालिफिकेशन का रेलेवेंस देखो। पहला पॉइंट, अगर तुम अभी तक पार्टनर नहीं हो, क्या तुम पार्टनर बन सकते हो? नो, इफ यू आर नॉट, इफ यू आर डिस्क्वालिफाइड। अगर तुम डिस्क्वालिफाई हो, तुम हमारे फर्म के पार्टनर नहीं बन सकते। ओके सर। सर व्हाट इफ वो पार्टनर ऑलरेडी है? अगर भाई तू ऑलरेडी पार्टनर है, इनमें से कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होगा, इनमें से कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होगा, यू विल सीज टू बी पार्टनर, यू विल बी स्टॉप टू बी पार्टनर, यू विल डिसकंटिन्यू टू बी पार्टनर। मतलब अगर डिस्क्वालिफिकेशन है तो पार्टनर बन ही नहीं सकता। नंबर टू, अगर पार्टनर है और डिस्क्वालिफिकेशन आ गया, यू विल डिसकंटिन्यू टू बी पार्टनर ऑफ द फर्म। ओके? चलो, डिस्क्वालिफिकेशन कितने साल? 3। डील करता है सेक्शन 5। शुरू करूं? नंबर 1, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर पागल है तो वो पार्टनर बन नहीं सकता, और पार्टनर है और पागल हो गया तो ही विल डिसकंटिन्यू टू बी पार्टनर। ओके? नंबर 2, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। मतलब वाइल यू आर इनसॉल्वेंट, यू कैन नॉट बिकम पार्टनर ऑफ LLP, एंड इफ यू आर ऑलरेडी पार्टनर ऑफ LLP, इज इट क्लियर, इफ यू आर ऑलरेडी पार्टनर ऑफ LLP, इफ यू आर एडजज एज इंसॉल्वेंट, अगर आपको कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, उस दिन से यू डिसकंटिन्यू टू बी पार्टनर। ओके? लास्ट पॉइंट, अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी एंड एप्लीकेशन पेंडिंग। सर मतलब क्या? आराम से सुनना। 16 तारीख को उसने अप्लाई किया कि मुझे इंस्टॉलमेंट होना है, 25 तारीख को कोर्ट ने उसे डिक्लेयर कर दिया इंस्टॉलमेंट। 16 को उसने अप्लाई किया, 25 को कोर्ट ने उसे डिक्लेयर कर दिया इंस्टॉलमेंट। माय क्वेश्चन इज कि वो इंस्टॉलमेंट कब से होगा, डिस्क्वालिफाई कब से होगा, 16 से होगा कि 25 से होगा? लॉ बोलता है इस केस में 16 से होगा। क्यों? जिस दिन से आपने अप्लाई कर दिया इंसॉल्वेंसी के लिए, उस दिन से आप डिस्क्वालिफाई हो गए। ठीक है? तो जब तक आप इंसॉल्वेंट हो तभी भी आप डिस्क्वालिफाइड हो, और नंबर 2 में लिखा है। नंबर 3, जिस दिन से आपने अप्लाई किया टू बिकम इंसॉल्वेंट, उस दिन से भी आप डिस्क्वालिफाई हो जाओगे। क्या समझा क्या? ठीक है, दिस वेर ऑल द पॉइंट्स। हमने क्या देखा? LLP के बेसिक्स देखे, जो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। नंबर 2, हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ LLP,
वो आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन के भी काम आ सकता है, थ्योरी क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आ सकता है, एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आ सकता है. इज इट क्लियर? ठीक है. फिर उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी. ये 2, 3 या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, तो वो 5 पॉइंट जो आपको दिए थे मैंने शॉर्टकट क्लियर, वो लिख दो, मैटर खत्म, बहुत सिंपल हो गया अपने लिए. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी. अपन ने बैक टू बैक 6 स्टेप्स देखे. इज इट क्लियर? ठीक है. ये 6 स्टेप में अपन देख लिया पार्टनर कितने होने चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कितने होने चाहिए, इनमें डिफरेंस क्या है वो भी अपन ने देख लिया. डे टू डे एक्टिविटीज में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स काम करते हैं. अब सारे पार्टनर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर भी हो सकते हैं, बट होना हो कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए. अब कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बना सकते, पार्टनर बना सकते हैं एलएलपी पे, बट डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बना सकते. ओके सर, अगर हमने डेजिग्नेटेड पार्टनर अलग से अपॉइंट नहीं किया, इज इट क्लियर, तो ऐसे केस में ऑल द पार्टनर्स विल बी डीम्ड टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. तो पार्टनर्स अपॉइंट किया, यस सर. जिनके पास डीपिन नंबर नहीं था, डिजिटल सिग्नेचर नहीं था, वो ले लिया, यस सर. इसके बेसिस पे नेम के लिए अप्लाई किया सेक्शन 16, यस सर. नाम आ चुका है तो एक एग्रीमेंट फॉर्म कर लो, एग्रीमेंट बन गया. एग्रीमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म भेज दो एमसीए को, एंड जिस दिन से आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया उस दिन से आपके फॉर्म रजिस्टर हो गए. ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फिर हमें 2 क्वेश्चन और देखे. लायबिलिटी में वो 4 पॉइंट लिखने अपने को, कि वैसे तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, बट हमें देखा कि अगर आपने डिफ्रॉड किया तो अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी आपकी. ओके, वो 4 पॉइंट्स आपको मेंशन करना है. एंड लास्ट पॉइंट, 3 लोग डिस्क्वालिफाइड है. ठीक है, नंबर 1 पर्सन ऑफ अनसाउंड, नंबर 2 जिस दिन से अप्लाई किया फॉर इंसॉल्वेंसी उस दिन से डिस्क्वालिफाइड है, एंड नंबर 3 जब तक आप इंसॉल्वेंट हो तब तक आप डिस्क्वालिफाई हो. डिस्क्वालिफाइड लोग पार्टनर बन नहीं सकते, और पार्टनर बन चुके हैं और डिस्क्वालिफिकेशन आ गया तो उस दिन से यू विल डिसकंटिन्यू टू बी पार्टनर. ओके, दिस वाज द ऑल द मेजर 90-95% ऑफ एलएलपी. इसको छोड़ के क्लास सिर्फ प्रोसीजरल पार्ट है जो सीए फाउंडेशन में, सीएस फाउंडेशन में तो बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरत पड़ सकती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेबल नहीं है. मैंने दोनों के मॉडल्स चेक करके ये सारे नोट्स बनाए हैं. ओके, इतना पढ़ लो, इट इज मोर देन सफिशिएंट. कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हो. इज इट क्लियर? मोर ओवर जितने भी सीए सीएस के बच्चे हैं जो मेरे क्लास में हैं, उनको इसके साथ में मैं एक असाइनमेंट भी देने वाला हूं आज ही. ओके, ये लेक्चर देखो, असाइनमेंट सॉल्व करो, फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए सब चड्डे फट्टे 90 गिल्ली हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, सो दिस इज कुणाल मंदानिया साइनिंग ऑफ. आई होप आपके लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड अगर लेक्चर अच्छा लगा तो आई वुड अप्रिशिएट लाइक एंड कमेंट. ठीक है, कमेंट्स एंड लाइक देख के हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई, हम बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो उनको बदले में कुछ ना कुछ मिलता है. एज यू ऑल नो, देयर शुड बी क्विड प्रो क्यो, बोथ द पार्टीज शुड गेट समथिंग इन रिटर्न. आपको लेक्चर देखने मिल रहा है, मुझे क्या मिलेगा? लाइक, इज इट क्लियर? ठीक है, सब्सक्राइब. अब सब्सक्राइब क्यों? सी, मुझे मोनेटाइज वगैरह करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है, सब्सक्राइब इसलिए बिकॉज मुझे हर बार आपको इन्फॉर्म करना पॉसिबल नहीं है. इसके बाद आपको बता दूं, मैं पार्टनरशिप एक्ट पे, पूरा पार्टनरशिप एक्ट पे 1.25 घंटे का क्विक रिविजन लेक्चर डालने वाला हूँ दिस वीक, एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे क्विक रिविजन लेक्चर डालने वाला हूँ. इज इट क्लियर? कंपनीज एक्ट पे तो मैं ऑलरेडी क्विक रिविजन लेक्चर डाल चुका हूँ. ओके, सो दैट इज वाई आई से कि आप सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे बार बार इन्फॉर्म करने की जरूरत ना पड़े. ठीक है, आप डायरेक्टली, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. बेल आइकन पे क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो. अपने फ्रेंड्स जो मेरे पास नहीं पढ़े, आपको लगता है कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर पूरा एलएलपी एक्ट पढ़ रहे हैं, 5-5 बार रिवाइज कर सकते हैं, 10 बार रिवाइज कर सकते हैं, टेंशन क्या है, 1 घंटे का है, जब चाह रिवाइज किया. इज इट क्लियर? नहाते नहाते रिवाइज किया स्पीकर पे लगा के. इज इट क्लियर? आप वॉशरूम में जा रहे हो, कान में ईयरफोन लगा के रिवाइज किया. इज इट क्लियर? सोते सोते रिवाइज किया. आप कभी भी इसे रिवाइज कर सकते हो. दिस इज लेस देन 1 आवर एंड आई हैव कंप्लीटेड एवरी डैम क्वेश्चन. ओके, दिस इज दैट्स इट फॉर टुडे. बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, ध्यान दो अपना. ऑलराइट, चलो, बाय बाय.